12 ए 370 डेली रूटीन की तरह सिटी के अंदर जगह जगह नाके लगाए जाते हैं। इसमें देखते हैं कि कौन वायलेटर जो वायलेशन कर रहा है, किसने हेलमेट नहीं डाला है, ट्रिपर राइडर है या कोई रश ड्राइविंग कर रहा है, या के बुलेट वाले हैं, किसका मॉडिफिकेशन ऑफ बुलेट किया हुआ है साइलेंसर को। तो इसमें हमने तकरीबन सुबह से हमने 10-15 चालान किए हैं। इसमें हमने 2-3 मोटरसाइकिल सीज किए हैं। एक तो विदाउट HSRP नंबर था, उसको हमने सीज किया है, और उसके साथ साथ 2 मोटरसाइकिल और सीज किए हैं जिनके विदाउट डॉक्यूमेंट्स थे, और हमने कुछ फ्रेश हेलमेट के चालान दिए हैं और साथ में ट्रिपर राइडर के चालान दिए हैं। तो मैं आपके चैनल के ज़रिए ये ख़ासकर जो यंग युवा है, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप प्रॉपरली हेलमेट डाल के चलें, क्योंकि अगर आप हेलमेट डाला हुआ होगा अपनी गाड़ी स्लिप होगी तो आपकी जान बचेगी। तो और उसके बाद साथ साथ जो बुलेट वाले हैं, इनको जिन्होंने मॉडिफाई साइलेंसर किए हुए हैं, वो मेहरबानी करके अपने साइलेंसर उतारें। अगर कोई इस किस्म का साइलेंसर वाला पाया गया तो बुलेट को जाएगा और उसको कम से कम 10,000 रुपया फाइन होगा। है सोमोज वगैरह हैं या मिनी बसें हैं या बसेस हैं, सुरनकोट से चल आती हैं या मैंडर से आती हैं, तो उनको भी हमने ओवरलोडिंग के चालान दिए हैं। 3-4 चालान ओवरलोडिंग के लिए वो चालान दिया जाता है। अगर किसी का TT नॉट पेड है तो उसको भी चालान दिया जाता है। उनको किस तरह की आप चालान? हाँ, और साथ साथ ये भी हमने तकरीबन सुबह से 3-4 गाड़ियों को रॉन्ग पार्किंग चालान दिया है। ये गुजर हॉस्टल के सामने जो डिग्री कॉलेज का रियर गेट है, इसके सामने पार्क करते हैं लोग गाड़ियाँ, वहाँ पे हमने चलान दिए 2-3। और बस अड्डे के पास पेट्रोल पंप के सामने यहाँ रॉन्ग पार्किंग करते हैं। फोर्ट बिल्डिंग आ गई, वहाँ पे रॉन्ग पार्किंग करते हैं, तो इनको हमने चलान दिया है। मैं आपके चैनल के ज़रिए ये भी कहना चाहता हूँ कि कोई भी जो गाड़ी है वो आप रॉन्ग पार्किंग में ना खड़ी करें, चाहे वो गुजर हॉस्टल के पास हो, चाहे हॉस्पिटल रोड हो, चाहे नाखावाली चौक हो, चाहे फोर्ट बिल्डिंग चौक हो, DC ऑफिस रोड हो। तो इस किस्म की जो रॉन्ग पार्किंग ना करें, जहाँ कोई मखसूस जगह है वहाँ आप पार्क करें। यहाँ से आप तो देख के छुप जाते हैं, यहाँ से भी और हाँ, और ये अमूमन मैक्सिमम जहाँ हमारा नाका लगता है, वायलेटर क्या करते हैं कि जब जहाँ कहीं नाका लगा होता है तो वो पीछे ही रुक जाते हैं, यहाँ से या यहाँ से कट मार के चले जाते हैं। तो मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, आज आप एक बार कट मार के जाओगे, अगर आप कट मारोगे, कोई दूसरा राहगीर चल रहा हो तो उसको एक्सीडेंट करोगे, वो आपके लिए परेशानी हो जाएगी। भागने का हल नहीं है। आप प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स अपने रखें, हेलमेट लगा के चलें, आपको कोई नहीं रोकेगा, आप प्रॉपरली चलते रहें। अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया होगा तो वो आपको फाइन होगा, पर भागने का कोई हल नहीं है। मेरा तो ये कहना है कि आप जब भी घर से निकलें, प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स उठाएं, डॉक्यूमेंट्स गाड़ी में रखें, या एम परिवहन पे आप रख सकते हैं मोबाइल में, वो भी वैलिड हैं, पर हेलमेट लगी हुई होनी चाहिए। तो इस तरह मैं आपके चैनल के ज़रिए उनके पेरेंट्स को भी ये कहता हूँ, और साथ साथ ये है कि जो अंडर एज बच्चे हैं, खासकर अंडर एज बच्चे हैं, उनको गाड़ी चलाने ना दें, उनको जब उनका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाए तो उनको अलाउ करें।